आगे कर दो, छोटे बच्चों को आगे कर दो। बड़ा जल धरती माता को ताला गिंदे को बड़ा जल तांडे को और किसको चाहिए? राम भगत सिंह चाचा जी हैं, बगड़ा वाले। हम नाम लेंगे और सब सेवा सेवा बोलेंगे। बंका बेगाना सेवा सेवा, सजोर पेंता सेवा सेवा, धरती दाईना सेवा सेवा, सगा समाजता सेवा सेवा, सगा समाजता सेवा सेवा, रानी दुर्गावतीना सेवा सेवा, बिरसा मुंडाना सेवा सेवा, रघुनाथ सा शंकर साता सेवा सेवा, सगा समाज। बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के हमारे इस आदिवासी स्वागत जो यात्रा है ये कुल मिलाकर 36 विधानसभाओं में जाएगी और 18 जिले से ये होकर गुजरेगी और साथ में इस यात्रा का जो टोटल दूरी है वो 2200 किलोमीटर की है और जो ये मिट्टी का उद्देश्य है कि हम सीधी जिले की इस मिट्टी को हर विधानसभा तक ले जाएंगे, जो 36 विधानसभाएं, ताकि बताने के लिए कि इस सीधी जिले में जो हुआ है वो क्या हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो राजनीतिक नहीं है, जो समाज सेवी लोग हैं, उनको भी इस यात्रा में शामिल करवाने का हमारा शामिल हुए हैं। क्या ऐसा दिक्कत आ गई, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई स्वाभिमान यात्रा निकाले? प्रत्येक जीव जंतु सब अपने मान सम्मान से जीवन जीना चाहता है और वही हमारा स्वाभिमान होता है, हमारी अपनी जीवन पद्धति होता है। जिस तरह से सीधी में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया गया, वे हमारी मान सम्मान को देख करता है, इसलिए हम अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए यात्रा के माध्यम से आज सीधी में उपस्थित हैं। क्या कहेंगे? हाँ पूछो। लगातार इस तरीके के जो वीडियो क्या कहेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो वर्तमान हालात है इसकी समीक्षा करके और वास्तविक कदम उठाना चाहिए, पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात को दरकिनार करते हैं। इस समय तो एक ही उनका नारा चलता है, एक कहावत है, जो गाना भी सुने होंगे, इमली का खिलता बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर। वैसे ही प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी बात सुनी। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, ये चिंता का विषय है। ये सबको सोचने की आवश्यकता है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के युवा साथी, आदिवासी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये सभी आदिवासी भाइयों को सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि आज ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हुई।